मैं अब और वेट नहीं कर सकता। खामखा मेरा टाइम जाया करवाया तुमने। पता नहीं मैंने क्यों तुम्हारी बात सुन ली। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। उन्हें अगर मिलेगी तो इन्फॉर्म कर देंगे। बस बहुत हो गया, चल रही हो कि नहीं? आप जाएं, मैं वेट करूंगी। देखो मेरा सब्र मत आजमाओ, यहाँ मेरा वक्त जाया हो रहा है, समझ गई तुम? वो यही आएगी, मैं श्योर हूँ इस बात को लेके। विशाल शायद भूल गई हो, गलत रोड पर मुड़ गई हो, इसीलिए नहीं पहुँची अभी तक। देखेगा इन द एंड वो यही आएगी, क्योंकि लैला की डेथ का यकीन नहीं है उसे। ताजी से कहते था तुम्हारे साथ रुक जाएगा। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैं यही इंतजार कर रही हूँ, आप जाकर ढूंढें। जो चाहो करो मेरी भला से। पुलिस स्टेशन चलो जल्दी। मैम नहीं चल रही क्या? वो यही वेट करेगी, मिशाल आएगी, उसे यकीन है। जल्दी चलो। मुझे लगा अपने गांव वापस चली गई हो तुम, मतलब तुम आखिरी मोमेंट तक अपना टाइम यूज करना चाहती हो। मगर रात के 12 बजते ही यहां से तुम्हें जूते छोड़कर भागना पड़ेगा प्रिंसेस। कितना अजीब लगेगा ना, आमिर से डिवोर्स लेने को अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो क्या ख्याल है उसे जेल भिजवा देते हैं? बस फिर उससे जेल में जाकर मिल लिया करना। मैं नहीं मिलूंगी, तुम्हें मिला करोगी उससे जाकर, जब तुम दोनों के दरमियान सलाखें हायल होंगी तब पछताओगी तुम। इस सब की जिम्मेदार तुम होगी, समझी? जा रही हूं उनसे बात करने, बिल्कुल और कोई रास्ता ही नहीं। जितना जल्दी हो सके इस मामले को निपटाओ और दफा हो जाओ यहां से, और इम्तिहान मत लो मेरे सब्र का तुम रियान। काश तुम एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देख लो। लम्हे से ज्यादा नहीं देख सकोगी, चेहरे और आंखों से उबलती हुई नफरत देखकर अपनी ही शक्ल नहीं पहचानोगी। तुमसे नफरत जो है इतनी मुझे, तभी तो ऐसी शक्ल हो गई है मेरी। अफसोस, अब आमिर भी तुम्हें ऐसे ही नफरत से देखेगा, नफरत से।
जा रही हो तो डाइवोर्स लेकर ही वापस आना आमिर से, वरना अंजाम जानती हो तुम। आमिर, खाना लग गया है, तुम आ रहे हो? रियान आ जाए मैले कापा, उसके साथ ही खाऊंगा। बेटा, वैसे तो ये तुम लोगों का पर्सनल मामला है, मगर रियान आज मुझे खोई खोई सी लगी। साफ लग रहा है कि किसी बड़ी उलझन में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कुछ बताया क्या उसने मैले कापा? नहीं, मैंने पूछा भी, उसने बताना मुनासिब नहीं समझा मुझे। मैं हैंडल कर लूंगा, मसला हल हो जाएगा मैले कापा। एक दिन भी तो सुकून नहीं मिलता हमें, एक के बाद एक मसले आते रहते हैं। यकीनन तुम कर लोगे हल। शुक्र है अल्लाह का, अब तुम दोनों साथ हो। मैं आज इतना खुश हूं जितना पहले कभी नहीं था मैले कापा। यानी कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी से ऐसा दीवानावार इश्क हो जाएगा मुझे। माशाल्लाह मेरे बेटे, रब्बे करीम तुम्हें हासिदों की बुरी नजर से हमेशा महफूज रखे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि घर में हर तरफ बच्चों की किलकारियां गूंजे। किलकारियां? बच्चों की आवाजें ना, मामा बाबा की आंखों के तारे, बिल्कुल तुम्हारे और रियान जैसे। नहीं नहीं, मेरे जैसे तो बस ना ही हो, सब उसके जैसे हो, उसके जैसे खूबसूरत, उसी जैसे नेक दिल। मेरी जान, एक तो कम से कम तुम जैसा हो, तुम कौन सा किसी से कम हो। और अगर वो मेरे जैसा बेवकूफ निकला तो पिटेगा मुझसे। हाँ, बस जल्दी से वो दिन आ जाए इंशाल्लाह। घर में अब हम सबको ऐसी खुशियों की जरूरत है आमिर, है ना? दुआ है मेरी, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। रियान, बेटी तुम कब से खड़ी हो यहाँ पर, पता ही नहीं चला। खाना लग गया होगा, चलो आ जाओ बैठकर साथ खाते हैं। ठीक है। सुन रहा हूं मैं, ऐसी क्या बात करनी थी तुमने जो जिंदगी और मौत का मसला है रियान? ओह मेरी जान, कहां हो तुम? अब आ भी जाओ प्लीज मिशाल। या अल्लाह, प्लीज उस बच्ची को कुछ ना हो। मैं क्या करूंगी? उसके पापा क्या करेंगे? हेलो हेलो हेलो, बोलना नहीं तो कॉल क्यों की है? मेरी आवाज आ रही है आपको? सिग्नल प्रॉब्लम है आई थिंक। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो,
जा रही हो गुड़िया? तुम्हारा नाम क्या है? बताया था ना मैंने, शायद गूंगी है ये। भागो नहीं, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, जाओ जाके बुलाओ उसे, जल्दी जाओ। आ जाओ। मुझे नहीं बात करनी आपसे, मेरा फोन क्यों बिजी कर रहे हैं? चले बंद करें। चलो बोलो, कम ऑन। और अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो चलो गपशप करते हैं बैठ के। क्यों खामोश खड़ी हो रियान? किस वजह से इतना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए बात करना? बोलो क्या बात है? गनशॉट का पूछूं क्या इनसे? या अल्लाह, इन्हें लगा होगा कि वो सिर्फ जख्मी हुआ है, इन्हें नहीं मालूम, कुछ भी नहीं जानते ये। उसके मरने का पता होता तो फौरन सरेंडर कर देते। मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी इन्हें। हाँ बताओ रियान। टाइम खत्म हो रहा है, अगर वो वीडियो पुलिस तक पहुंच गई तो मुझे बताना ही होगा इन्हें। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है रियान। कैसे कह दूं इनसे कि मुझे डिवोर्स चाहिए? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि घर में हर तरफ बच्चों की किलकारियां गूंजें। किलकारियां? बच्चों की आवाजें ना, मामा बाबा की आंखों के तारे, बिल्कुल तुम्हारे और रियान जैसे। नहीं नहीं, मेरे जैसे तो बस ना ही हो, सब उसके जैसे हो, उसके जैसे खूबसूरत, उसी जैसे नेक दिल। मेरी जान, एक तो कम से कम तुम जैसा हो, तुम कौन सा किसी से कम हो? और अगर वो मेरे जैसा बेवकूफ निकला तो पिटेगा मुझसे। नहीं नहीं, ठीक नहीं लग रही मुझे, थोड़ा रेस्ट कर लो, हिम्मत आ जाएगी तुम में, फिर बात कर लेंगे हम। चलो आ जाओ, लेट हो चल के। मैं मैलिका पापा से कहता हूं कि कुछ बना दे, वहीं रूम में खा लेंगे। आ जाओ। उफ, फिर आ गई कॉल, सीधे तरीके से समझ नहीं आ रहा। कह भी दिया कॉल मत करना। अल्लाह अल्लाह, जल्दी आओ। अभी बताती हूँ, जान क्यों लगा रही है।
रुको, अपनी ताकत मत लगा, जल्दी खोलो दरवाजा, फटाफट खोलो। भागती कहाँ है? रुक, इधर आ, कहाँ जा रही है? विशाल, नहीं भाग सकती। बैठ विशाल, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, बंद करो। विशाल, बैठी रह आराम से। विशाल रुको, कहाँ ले जा रही हो बच्ची को? रुक, बैठ, कहाँ ले जा रही हो हमारी बच्ची को? रुको, रुक जाओ, रुको। तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो, ठीक नहीं लग रही बिल्कुल। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मगर फिर मुझसे प्रॉमिस करो और ऐसा कुछ भी नहीं सोचोगी जो तुम्हें अपसेट कर दे, ठीक है? बस बेफिक्र होकर आराम करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जो मैं कहूं वो करोगी, तो फिर मैं शायद डॉक्टर को बुलाने का ना सोचूं। ठीक है, पानी लाता हूं और खाने का भी कह देता हूं। मुझे भूख नहीं है। कहा ना, जो मैं कहूंगा वही करोगी, कोई एतराज नहीं सुनूंगा मैं। मुझे कपड़े चेंज करने हैं। कैसे कहूं कि मुझे डिवोर्स चाहिए? सारे ख्वाब बिखर जाएंगे इनके, बहुत सदमा होगा इन्हें, कैसे संभालेंगे खुद को? नहीं की ना बात आमिर से, तो फिर ठीक है, अब उसे जेल जाते हुए देखना तुम। अभी भी ये करना नहीं चाह रही ना तुम? किस बात का इंतजार है? क्यों अभी तक डायवोर्स नहीं मांग सकी तुम? ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। तुम तो उन्हें अपना दोस्त कहती हो, बल्कि तुम तो मोहब्बत करती हो उनसे, तो फिर ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ये क्यों चाहती हो कि वो जिंदगी जेल में गुजारे? हाँ, बाय द वे, अगर तुमने किसी को भी वो सब बताया जो मैंने कहा है, यानी आमिर और मेरे बीच कोई रुकावट डाली, तो तुम्हें जो मैंने मोहलत दी है वो फौरन खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखना तुम, अगर मुझे डुबाया तो आमिर को भी साथ ले डूबूंगी मैं, एक लम्हे में जेल भिजवा दूंगी उसे। अपने इस चिड़िया जैसे दिमाग में बिठा लो, आमिर मेरा ना हो सका तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी मैं। क्लॉक इज टिकिंग, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं, ये याद रखना। ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब हो, और मेरी आंख खुल जाए, या अल्लाह ये सिर्फ एक ख्वाब हो, या अल्लाह। तुमने कहा भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना, ठीक है, तो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं खिलाऊंगा, मगर ये हर्बल टी तो पी लो,
तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी इससे। आराम से सिप लेना, अभी गर्म है काफी। आप सहमत नहीं करें मैं पी लूंगी। नहीं, अभी पियो और रेस्ट करो, ठीक है? मैं यही हूं तुम्हारे पास। बात हो गई है ना हमारी? इंजीर की फीड और पानी तो देखना ही भूल गई मैं। अरे लेटी रहो तुम, फिर वही बेड से उतरना अलाउ नहीं है बिल्कुल। मैं देख लेता हूं। और बाय द वे, हर्बल टी पूरी खत्म करनी है। कैसे तरीके से प्रॉब्लम बताती है अपनी ये भी। फीड और पानी बस खत्म पे ही थे। आपको यकीन है कि यही बात है? ऐसा भी तो हो सकता है कुछ और कहना चाह रही हो। मुमकिन है कह रही हो कि अब और इस पिंजरे में कैद नहीं रहना मुझे, शायद खुली फिजा में आजादी से उड़ना चाहती हो। दूर, बहुत ही दूर उड़कर जाना चाहती हो। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। देखो कितना खुश हो रही है। मुझे तो लगता है ये कुछ ऐसा कह रही थी कि मुझे अपनी प्यारी सी मालकिन से बहुत प्यार है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मरते दम तक उनके साथ ही रहना चाहती हूं। वो मुझसे जरा देर के लिए भी दूर नहीं होती, मिस करती हूं। शुक्र है कि मुझे ऐसी मालकिन मिले। इस पिंजरे में उम्र भर रहने पर राजी हूं मैं। बस ये कह रही थी अंजन। यकीन करें मैं भी आपके साथ एक पिंजरे में सारी जिंदगी गुजार दूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे डिवोर्स लेनी होगी। मैं आपको जेल जाता नहीं देख सकती, ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। खुदा जाने आपके बगैर कैसे जीऊंगी। अल्लाह मेरी मदद फरमाए। नफरत हो जाएगी आपको मुझसे, आप बर्बाद हो जाएंगे, मगर मैं क्या करूं, तो और कोई रास्ता ही नहीं है। चेवरे की आंखों में इतनी नफरत है कि वो कभी हार नहीं मानेगी। हम दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देख सकती है वो। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। कांच टूटने से बला टलती है ना? मैं बस इजी हो जाओ, चलो आ जाओ। Tepe, pullu tepe, ninni de yârim ninni. Su gelir serpe serpe, eski de yârim hani. Dediler yar uyumuş,
ninni de yârim ninni. Uyardım öpe öpe eski de yârim hani. Uyardım öpe öpe eski de yârim hani. Altındır alay değil, nenni de yârim nenni. Gümüştür kalay değil, eski de yârim hani. Gümüştür kalay değil, eski de yârim hani. Lock is ticking. तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं, ये याद रखना. नहीं, इनमें से कोई नहीं आगे चले. हाँ ये है, यही है. पक्की बात है? बिल्कुल यही है वो. इसका चेहरा तो मैं भूल ही नहीं सकती कभी. गुलिस्तान कुज़े, कुफ्ताना के नाम से मशहूर है ये. बच्चों को अगवा करने और उनसे भीख मंगवाने वाले गैंग की सरगना है ये. कई बार पकड़ी गई है, मगर ये किसी न किसी तरह से रिहा हो ही जाती है. इसे पकड़ना आसान नहीं. क्या मतलब पकड़ना आसान नहीं? मेरी बेटी इस औरत के कब्जे में है. ये अपना ठिकाना बार बार बदलती रहती है. इस्तांबुल जैसे बड़े शहर में कहाँ होगी नहीं मालूम. मुझे इन जस्टिफिकेशन से कोई दिलचस्पी नहीं. आप कहीं से भी सुराग लगाएं और पकड़े इसे. बेफिक्र हो जाएं कमाल साहब, जो जरूरी होगा हम करेंगे. आप लोगों को जरूरी से भी बढ़कर कुछ करना होगा. मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए. मैं भी आपके साथ मिलकर ढूंढूंगा उसे. हम तलाश पहले ही शुरू कर चुके हैं. देखें, मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता, ओके? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं खुद उसे ढूंढने निकल जाऊंगा. मिशाल के केस में एक नई अपडेट है. कुफ्ताना नामी मुजरिमा को शनाख्त कर लिया है. वो जहाँ भी छुपी है उसका पता लगाओ. सर्च टीम से कहो कि उनके साथ कमाल साहब भी जाएंगे. तुम घर चली जाओ. मैं भी जाऊंगी आपके साथ. ताजी तुम्हें साथ ले जाएगा. कोई बात हुई तो मैं कॉल कर दूंगा. चलो जाओ. आफरीन लड़की, बहुत अच्छा शिकार घेरा है. ये बच्ची हमारे लिए नोट छापने की मशीन बन सकती है. देखो तो, मासूम सूरत सोने की चिड़िया से कम नहीं है, लेकिन थोड़ा बिगाड़ जरूरी है, फिर दौलत ही दौलत. हेलो कसाई, एक बहुत जरूरी काम है. एक बहुत जबरदस्त दाना हाथ लगा है. ऐसी खूबसूरती नहीं देखी होगी. हाँ, बस एक फ्रैक्चर की कसर है. फिर देखो नोट ही नोट. बिल्कुल, या तो हाथ तोड़ दो या फिर लंगड़ा कर दो इसे. पैसे बस इधर आकर फटाफट काम दिखाओ और उधर झटपट नोट ले जाओ.
ताजी गाड़ी साइड में रोक दो। क्यों मैम? रोक दो बस। कोई मसला हो गया क्या मैम? मैंने देखा वो औरत विशाल को कैसे बेरहमी से खींच रही थी। मैं उसके पीछे भागी मगर वो ले गई। ये इम्पॉसिबल है विशाल, जब तक उसके कब्जे में ये नहीं हो सकता कि मैं घर चली जाऊं। मैं जानती हूं ताजी के तुम अपनी प्रीवियस लाइफ की तरफ वापस नहीं जाना चाहते, मगर तुम उस दुनिया को बहुत बेहतर जानते हो। तुम अपने पुराने कनेक्शंस को यूज करो, शायद हम उसे ढूंढ लें। मैम, मैंने ऑलरेडी उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। बस तो फिर ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करो। तुम ठीक हो? इजी हो जाओ, गहरे गहरे सांस लो, ठीक है? गहरे सांस, शाबाश, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस रिलैक्स। रिलैक्स हो जाओ, मैंने कहा ना निकल जाएंगे हम यहां से, मैं हूं ना यहां, घबराओ नहीं, ठीक है? जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गई है, जो कुछ हुआ इसकी बर्दाश्त से ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। जो जुर्म इस पर मैंने किया वही नहीं भूल पा रहा इसे, तो फिर जाहिर है ये जख्म इतनी जल्दी कैसे भर सकते हैं। अभी तक बात नहीं की, अहमद चाहिल गवार, उसे लगता है ये मेरी कोई चाल है,
चीट कर रही हूं मैं उसे। अभी पता चलेगा कि किससे वास्ता पड़ा है उसका। लग पता जाएगा। टाइम फिनिश। तुम्हें वार्न किया था मगर तुमने सुना ही नहीं। आमिर को जेल भिजवा रही हो तुम, लेकिन इस बात का इल्जाम मुझ पे मत डालना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। आमिर को जेल नहीं भेज सकती तुम। पुलिस आ गई है आमिर को ले जाने के लिए। रियान, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आमिर की जिंदगी तबाह हो रही है। नहीं लेकर जा सकते हैं आप लोग, छोड़ दे, मैं नहीं ले जाने दूंगी। अंदर जाओ अंकल के पास और इजी रहना, ठीक है? घर सर पर मत उठा लेना। प्लीज छोड़े इन्हें, छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है। हमें हमारा काम करने दे, बीच में मत आए आप। हटो एक तरफ, हंगामा मत करो, इन्हें अपनी ड्यूटी करने दो, ठीक है? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? सुबह भी हो गई है, बात किए बगैर ही सो गई थी मैं। क्या देखा तुमने, मुझे बताओगी प्लीज? मुझे बताओगी तो बोझ हल्का हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर जहन से निकाल दो उस बुरे ख्वाब को, नया दिन शुरू हो चुका। मैं तुम्हारे पास हूं और हमेशा हमेशा साथ रहूंगा, क्योंकि इश्क ने मुझे दीवाना कर दिया है। इस दीवाने ने कितनी ही बार तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां की, और खासकर वो मुसीबत जो हाल ही में तुम पर आई, उस समेत हर चीज की तलाफी के लिए सब कुछ करेगा ये।
ओह बहुत टाइम हो गया यार। चलो शाबाश, ऐसे मत बैठो, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। वहां जाकर मैं क्या करूंगी, घर पर ही रहने दीजिए ना। तुम वहां मेरी हेल्प कराओगी, तुम्हारे आइडियाज चाहिए मुझे। रहने दे, मैं वैसे भी बहुत डाउन फील कर रही हूँ। यार मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और तुम कह रही हो कि रहने दो मुझे, अपने हस्बैंड को। अच्छा ठीक है, चलती हूं मैं। चलो फिर उठ जाओ, रेडी होकर निकलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। क्या मतलब थोड़ा टाइम लगेगा? एक और काम में मसरूफ हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। बस ज्यादा देर ना लगाना, सोने की चिड़िया आ गई है हमारे पास, बस सही शक्ल में लाना है और फटाफट काम पे लगाना है। लानत है यार, हमें रोटियों के लाले पड़े हैं, इसे परवाह नहीं। आपा, क्या है? पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं हमें। ढूंढने तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे, और अगर पहुँच गए? अहमक, थोड़ा दिमाग चला लिया करो अपना, हम क्यों हर चंद दिन बाद घर बदल लेते हैं। हाँ पुलिस जब तक पहुँचेगी हम जा चुके होंगे यहाँ से। बस कसाई आकर अपना काम कर दे, हम अपना सामान समेट कर निकल जाएंगे यहाँ से।